प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, बात करते हैं एस नाम वाले लोगों की, कि सबसे भाग्यशाली एस नाम के लोग होते हैं और उनसे जुड़ी कुछ खास बातें होती हैं जो आज हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में व्यक्ति के नाम का खास महत्व है। जन्म के बाद जन्म जब चंद्रमा राशि में प्रवेश करता है तो बच्चे का नामकरण किया जाता है। इस नाम के लिए खास अक्षर का चुनाव किया जाता है। हर इंसान के नाम के अलग अलग महत्व और मायने होते हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम उसके व्यवहार और भविष्य से जुड़ी कई जानकारियां बताता है। किसी भी नाम के दो ही मतलब हो सकते हैं, या तो वह शुभ संकेत देगा या फिर बुरे समय के लिए हमें आगाह करेगा। ऐसे में यदि आपका नाम एस अक्षर से शुरू होता है तो आप सबसे अधिक भाग्यशाली हैं। देखा जाए तो एस अंग्रेजी के अल्फाबेट का 19वां लेटर है, लेकिन इस नाम वाले लोगों का जीवन बेहद रोचक एवं खास होता है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ एस नाम वालों की खूबियां हैं जो आपको बताने जा रहे हैं, जिनसे आप वाकिफ नहीं होंगे। एस नाम वाले लोग दिखने में बेहद आकर्षक लगते हैं और उतने ही ज़्यादा पॉपुलर भी होते हैं। उनके पास पैसों की कमी नहीं होती। ये अपनी मीठी वाणी से सामने वाले पर अपना प्रभाव छोड़ देते हैं। लड़कियाँ इनसे ज़्यादा प्रभावित होती है। ये सबसे अधिक मेहनती और अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। ये पढ़ाई में काफ़ी तेज़ होते हैं, जहाँ से भी इन्हें ज्ञान मिलता है एकत्रित कर लेते हैं। ये दिल के काफ़ी साफ होते हैं और कोई भी बात ऐसी नहीं है जिसके चलते सामने वाले को ज़रा सा भी दुख महसूस हो। कभी कभी इनका गुस्सा इन पर हावी हो जाता है। यह लोग सत्य के पुजारी होते हैं, साथ ही प्यार के मामले में यह ज़रूरत से अधिक गंभीर भी होते हैं। ये अपने शादीशुदा जीवन में वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं, इसी कारण का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चलता, क्योंकि वैवाहिक जीवन ही अपने अनुसार चाहते हैं और अपने अनुसार ऐसा होता नहीं है। साथी के साथ इनकी अनबन रहती है। अगर आपका नाम एस अक्षर से शुरू होता है तो साल 2018 के अनुसार कुंभ राशि के जातकों के लिए वर्ष काफ़ी वर्षों के बदले बेहद अच्छा गया होगा। बिगड़े काम भी इसमें इनके बने होंगे और धन प्राप्ति के जो योग हैं वो भी इनके बने होंगे। इस नाम वाले लोग नरम दिल के होते हैं। यह किसी का दुख नहीं देख पाते और हमेशा दूसरों की मदद करने में तत्पर रहते हैं। इनकी मीठी बोली इन सबको इनकी ओर आकर्षित करती है। इनकी अच्छाइयों के चलते यह हमेशा लोगों के दिलों पर राज करते हैं। अगर इन्हें कोई ठेस पहुँचा दे तो यह चुपचाप सह भी लेते हैं, परंतु उसको अपना दुख जाहिर नहीं करते। यह सबकी मदद में आगे बढ़कर साथ देते हैं, परंतु इन्हें अपने ही आखिर में धोखा देते हैं और इन्हें धोखा मिलता है। ईमानदारी की बात करें तो इस नाम वाले जातकों को ईमानदारी की सबसे बेस्ट खूबी है। यह कर्ज के सख्त खिलाफ रहते हैं, लेकिन अगर कभी दुर्भाग्यवश इन्हें कर्ज लेना पड़े तो ये जल्दी से जल्दी उसे चुकता करने की भी सोच रखते हैं। जब तक इनका कर्जा अदा नहीं हो जाता यह चैन से नहीं बैठते। प्यार के मामले में लोग थोड़े स्वार्थी होते हैं, क्योंकि यह कभी अपना प्यार किसी से शेयर नहीं करना चाहते, मतलब उसमें डूबना नहीं चाहते, और इसलिए इन्हें थोड़ा स्वार्थी कहा जाता है। ये अपने से कुछ ज़्यादा मतलब रखने वाले लोग होते हैं। हम सेल्फिश भी इन्हें कह सकते हैं, परंतु ज़्यादा नहीं, अपने बारे में भी सोचते हैं और औरों के बारे में भी सोचते हैं। तो बस ये छोटी सी इनकी खूबियों की जानकारी थी। इसके अलावा जीवन से जुड़ी और परेशानी, जैसे विवाह को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी में तरक्की को लेकर, भाग्योदय को लेकर, रतन रंग अंग को लेकर, ग्रह क्लेश से मुक्ति, कुंडली विश्लेषण, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप डिस्प्ले पर स्वामी जी का नंबर देख रहे हैं। आप सीधे भी उनसे बातचीत करके अपनी समस्याओं का समाधान उनसे करवा सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूं।